थी मैंने वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया टी20 वर्ल्ड कप में भी एक बात बोली थी, मैं आज भी ये बात बोलता हूँ कि पाकिस्तान में अगर कोई बैटर है तो उसका नाम है फखर जमान, उसके अलावा कोई बैटर नहीं है इनके पास। बट बंदे ने हिला के रख दिया, आज पूरी दुनिया देख रही है ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बना नहीं है। न्यूजीलैंड के खिलाफ फखर जमान की तेज तरीन सेंचुरी, सचिन तेंदुलकर का बड़ा बयान सामने आ गया। कल के मैच में फखर जमान की बैटिंग को देखते हुए सचिन तेंदुलकर ने बड़ा बयान जारी कर दिया, फखर जमान की तारीफों के पुल बांध दिए। नास्तीन आप जानते हैं कल न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान को शानदार कामयाबी हासिल हुई और इसमें बड़ा किरदार अदा किया फखर जमान ने। कल के मैच में फखर जमान ने 81 गेंदों पर 126 रन की शानदार इनिंग खेली। फखर जमान की इस इनिंग में चौके और छक्के देखने को मिले। कल के मैच में फखर जमान के लंबे तरीन छक्के देखने के बाद भारतीय मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ फखर जमान के चर्चे हैं। भारतीय मीडिया का कहना है कि इस वक्त टीम पाकिस्तान में जो सबसे बेहतरीन बैट्समैन है वो फखर जमान है। फखर जमान ने कल क्रिकेट की तारीख को हिलाकर रख दिया। लंबे तीन छक्के देकर इस वक्त सचिन तेंदुलकर का भी बड़ा बयान सामने आ गया। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि कल फखर जमान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो शानदार बैटिंग की वो पहले कभी देखने को नहीं मिली। फखर जमान ने वर्ल्ड कप 2023 की तारीख को हिलाकर रख दिया। इतने लंबे तीन छक्के पहले देखने को नहीं मिले। अब लगता है कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान का होगा। नासिर सचिन तेंदुलकर के इस बयान पर आप अपनी राय कमेंट में लाजमी दीजिएगा।